पेंशन सत्याग्रह पेंशन रथ यात्रा पहुंचा भागलपुर। 1 जून को चंपारण के भीतरहरवा गांधी आश्रम से प्रारंभ हुआ रथ यात्रा 4 जून को सीताबदियारा में होगा समाप्त। भागलपुर 1 जून से 4 जून तक बिहार में चंपारण के भीतरहरवा से सीताबदियारा तक आयोजित पेंशन सत्याग्रह और पेंशन रथ यात्रा निकाली गई है। यह 4 दिवसीय पेंशन सत्याग्रह और पेंशन रथ यात्रा हर सूबे के हर जिले में घूमकर पेंशन धारकों को जागरूक करने का काम कर रही है और अपने हक की लड़ाई लड़ने की बात कह रही है। गौरतलब हो कि 1 जनवरी 2004 से केंद्रीय कर्मियों के लिए आज़ादी के समय से लागू पुरानी पेंशन योजना को केंद्र सरकार द्वारा रद्द करना ही अंशदायी पेंशन योजना की लागू की गई थी। सरकार ने इस योजना को पूंजीपतियों कॉर्पोरेटों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचाने के लिए इसे बंद कर दिया, जिसको लेकर दर्जनों कर्मियों ने पूरे सूबे में पेंशन सत्याग्रह पेंशन रथ यात्रा निकाली है। यह रथ यात्रा 1 जून को मोतीहारवा गांधी आश्रम में गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ प्रारंभ किया गया और अररिया पूर्णिया कटिहार होते हुए यह पेंशन रथ यात्रा आज भागलपुर पहुंची, जहां गर्म जोशी ने बाहर से आए अतिथियों को भव्य स्वागत किया और कार्यक्रम में शपथ ली कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी यह पेंशन सत्याग्रह और पेंशन रथ यात्रा प्रारंभ रहेगा। उसके बाद रथ यात्रा भागलपुर से मुंगेर की ओर रवाना हो गई। वहीं कई जगह पेंशन सत्याग्रह और पेंशन रथ यात्रा 4 जून को मांझी सीताबदियारा में समाप्त होगी। लोगों ने शहर के कई चौक चौराहे पर प्रदर्शन भी किया और अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी करते दिखे।